They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend. So guys, aaj hum karne wale hain chest, shoulder and core. Is week bhi hum pura endurance karne wale hain. अभी जो डाइट की अपडेट थी मैंने कल आपके लिए डाल दिए, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिए डाइट की अपडेट में क्या चेंजेस है या नहीं है, जो भी है वो आप वाली सेपरेट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम करने वाले हैं डे 113, 113 डे आज हम करेंगे, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट अभी कुछ दिनों में हमें मिले हैं। जैसे मैंने आपको डे 100 में मैंने वीडियो में बताया था कि अभी तक तो जितनी भी आपने चीट करी चल जाएगा, लेकिन डे 100 से जो भी हम अभी कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ना चीट करके हम पूरा परफॉर्मेंस पे ध्यान रखेंगे, वर्कआउट पे ध्यान रखेंगे, डाइट पे ध्यान रखेंगे, और जो भी ओवरऑल इतने टाइम में जो भी चीज़ें थी प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी कुछ 10-12 दिन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिखे हैं, तो अगर हम अच्छी तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कुछ टाइम में हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, पुशअप लगाते हैं, 3 सेट पुशअप लगाते हैं, 3 सेट पुलअप्स लगाते हैं, प्रॉपर वार्म अप करते हैं, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, मशीन पे इंक्लाइन प्रेस करेंगे, 3 सेट करेंगे, एंड्योरेंस जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया पूरा वीक वही करने वाले हैं हम, और डबल बॉडी पार्ट करेंगे, और लास्ट में कोर या HIIT फ्लोर कार्डियो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आज हम कोर करेंगे लास्ट में, और इसके अंदर हम 3 सेट करने वाले हैं, 12 से 15 आप रेपिटेशन रखिए। एंड्योरेंस इसलिए कर रहे हैं, लास्ट वीक भी हमने एंड्योरेंस करा था, उससे लास्ट वीक भी हमने एंड्योरेंस करा था, थोड़ा सा फोकस हो रहा है उस पर हमारा। नेक्स्ट वीक देखते कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन इस वीक और हम एंड्योरेंस करने वाले हैं, और थोड़ी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी गेन होती है, और कार्डियोवास्कुलरिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन। इसके बारे में सब अभी तक ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है, काफ़ी सारा मैंने आपको बताया भी कैसे पोस्चर रखना है, कैसे क्या करना है। कुछ नया रहेगा तो 100% मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। बाकी जो आपको मैंने पहले बता रखा सारी वीडियो अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको सबका नॉलेज होगा कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good. Incline press हमारा complete हुआ, 3 सेट करे total, 45 kg से स्टार्ट करा था, फिर वे एक प्लेट और बढ़े 52 kg, फिर उसके बाद एक बार और इंक्रीज करा 59 kg, तीनों पे 12 रेपिटेशन आ गए। नेक्स्ट हम शोल्डर की करने वाले हैं, फिर आप इस चेस्ट की करेंगे। तो शोल्डर के अंदर अभी हम करेंगे 2 एक्सरसाइज को मिक्स करा है मैंने इसके अंदर, आर्नोल्ड प्रेस और ओवरहेड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस के आपको 6 से 8 रेपिटेशन लगाने, टोटल आपको 12 या 15 रेपिटेशन ही करने, लेकिन 6 से 8 रेपिटेशन तो आपके आर्नोल्ड प्रेस के हो जाएंगे। उसके बाद के जो रेपिटेशन बच रहे हैं उसमें आपको ओवरहेड प्रेस करना है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक ही सेट में दोनों को कंप्लीट करना है, और टोटल 3 सेट करेंगे। स्टार्टिंग वेट में 12.5 kg ले रहा हूँ। सो स्टार्ट करते, देखते हैं कैसे करना है, ये भी देख लीजिए। आपको 6 या 8 रेपिटेशन ऐसे करना है। Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep... So guys, overhead press bhi kaafi acche se complete ho chuka hai mera. 3 set kare, starting weight mein 12.5 liya.
और उसमें मैंने 8 रेपिटेशन तो आर्नोल्ड प्रेस करा और 4 रेपिटेशन जो हमारे थे वो नॉर्मल ओवरहेड प्रेस करा। और ऐसे ही तीनों सेट में भी यही करा मैंने, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन वेट इंक्रीज करते गया, 15 kg लिया, उसके बाद 17.5 kg लिया। 17.5 kg भी थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करने वाले चेस्ट की, इसके अंदर हम करेंगे केबल फ्लाई, जिसके अंदर हाई पुली पे हम पुली को हाई पे रखेंगे, उसके बाद फ्लाई करेंगे, और इसके भी 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle. Fly हमारा complete हुआ। Starting weight मैंने 25 kg की plate ली थी, जिस पर 12 रेपिटेशन, फिर वापस 12 रेपिटेशन, फिर एक प्लेट इंक्रीज करा 30 kg दोनों साइड और 12 रेपिटेशन आ गए। नेक्स्ट हम शोल्डर की करने वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे सिंगल हैंड बारबेल लैटरल रेज, और इसके भी 12 रेपिटेशन करना है। इसके बारे में मैंने डे 101 में आपको बता रखा है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. साइड लेटरल रेस भी कम्प्लीट हो चुका है। 10 kg की ही रोड मैंने यूज़ करी और 12 रेपिटेशन तीनों साइड पे आ गए इच हैंड पे, और काफ़ी अच्छा लोड भी आया उसमें। नेक्स्ट हम करने वाले हैं चेस्ट की आज की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद हम शोल्डर और कोर भी करेंगे, इसके बाद करेंगे। इसके अंदर हम करने वाले पुल ओवर, ये भी एंड्योरेंस होने वाला, 12 से 15 रेपिटेशन आप कर सकते हो। स्टार्टिंग वेट में 17.5 kg ले रहा हूँ, लग रहा है लाइट है वेट, लेकिन इंड्योरेंस में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए एक बार थोड़ा लाइट वेट ही लिया, फिर लगेगा तो अब हम वेट बढ़ा लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. So guys, आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। अभी जो पुल ओवर करा उसमें 3 सेट करा, 17.5 kg लिया, फिर ज़्यादा लाइट लगा मुझे तो 22.5 लिया, उसके बाद 25 kg लिया, तीनों पे 12 रेपिटेशन आ गए। नेक्स्ट और लास्ट सुपर सेट में करने वाले प्लेट फ्रंट रेस करेंगे, और इसी के साथ में हम जैक नाइफ करेंगे, तो उसके बारे में बताता हूँ। अभी सुपर सेट में आपको 12 रेपिटेशन से 12 से 15 इसके करने, उसके 10 12 15 30 रेपिटेशन तक आप उसके भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path. सो गाइस, सुपर सेट में आपको जैक नाइफ करने, इसको कैसे करना है, मैट पे बैठ जाइए, आपको पीछे बैक को सपोर्ट देना ताकि आप पीछे नहीं गिरें, ठीक है, ऐसे हाथ रख सकते हैं, पैर को लिफ्ट करके रखना है और क्रंच करना है, ठीक है। 1 2 Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. So guys, आज का वर्कआउट हमारा कम्प्लीट हुआ, जिसमें हमने करा चेस्ट, शोल्डर एंड कोर, काफी अच्छा वर्कआउट था, और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental.